बीज वितरण के नाम पर किसानों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। कृषि विभाग ने जिन किसानों को बीज बांटने की बात कही है, उसमें से कुछ की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी है। प्रशासन अब जांच की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहा है। डिंडौरी जिले के मेहदवानी विकासखंड क्षेत्र में बीज वितरण के नाम पर किसानों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है। कृषि विभाग के द्वारा जिन किसानों को बीज वितरण करना बताया जा रहा है, उसमें से कई किसान ऐसे हैं जिनकी मौत सालों पहले हो चुकी है। साथ ही कई ऐसे किसान भी हैं जिन्हें बीज मिला भी नहीं है, लेकिन उनके नाम बीज वितरण वाले किसानों की सूची में दर्ज है। इतना ही नहीं, बीज वितरण में घोटाले करने के लिए कृषि विभाग के अफसरों ने कई किसानों की जाति, गांव व खसरा नंबर तक को बदल दिया है। 2019 में मेरी माँ की मृत्यु हुई थी और पता लग रहा है कि मेरी माँ के नाम में बीज वितरण हुई है। तो मेरे को लगता है फर्जी तौर पर हुई होगी, हमने तो किसी प्रकार का बीज लिए नहीं है। अभी तो चना का बता रहा है, 20-30 किलो चना मेरे नाम पे, माँ के नाम में कितना, 75 किलो ऐसा कुछ है शायद। ना हम चना के बीज लेंगे यहाँ, ना मसूर के बीज लेंगे यहाँ। हमारे पति 1 साल हो गए दिखा हम भाई। आपके पति के नाम में जो है लिस्ट में चढ़ा है कि अभी साल उनको बीज मिला है करके, तो नहीं लेना मसूर असूर कछ नहीं लेना, चना लेना ना मसूर लेना। आप गई थी ऑफिस? हाँ हाँ नहीं गई यहाँ। हम तो कैसे आपके पति के नाम में चढ़ गया? अब वो खिलाई जाने, अब गाँव बारी कौन लाइस कौन नहीं, तो गड़बड़ करी नहीं, क्या करी नहीं लगाते? गड़बड़े करी नहीं है? नहीं, मैंने बीज लेने गया नहीं। मेरे को अभी अभी 2-4 दिन से पता चला है कि मेरे नाम से 75 किलो चने का बीज मेरे नाम पर चढ़ा दिया गया है और पैसा खा लिया गया है। और खसरा नंबर जो डाला गया है वो 420 है, मेरा खसरा नंबर है ही नहीं है। मेरा खसरा नंबर है 273-193-707-570। जो जानकारी मिली है मेरे को कि कृषि विभाग द्वारा जो सूची बनाई गई है उसका उसमें मेरा नाम ग्राम कोटरई में दर्शाया गया है और मेरी जाति कतिया जाति है, मैं हरिजन वर्ग में आता हूँ और मेरे को आदिवासी के नाम से बीज वितरण की सूची बनाई गई है, नहीं मिला है बीज मेरे को। दरअसल बीज वितरण में हुई धांधली को लेकर किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, साथ ही सूचना के अधिकार के तहत कृषि विभाग से जानकारी मांगी थी। किसानों की शिकायत पर ढिंडोरी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अश्विन झारिया को सस्पेंड कर दिया था, फिर भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। और एक और शिकायत मुझे मिली है जो हमारे कृषि विभाग के DDA बीज वितरण में अनियमितताओं की, इसलिए DDA को भी सस्पेंड कर रहा हूं। इस मामले में बीते दिनों जब सूचना के अधिकार के तहत बीज वितरण वाले किसानों की सूची मिली, तब उसमें हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। तब मेहदवानी इलाके के किसानों ने बीज वितरण में फर्जीवाड़े को लेकर कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अभिलाषा चौरसिया ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जी, संज्ञान में आया था रविवार को एक प्रोग्राम हुआ था मेहदवानी में, जिसमें रामगोपाल साहू जी हैं जो हमारे किसान मित्र थे पहले, उनके माध्यम से शिकायत की गई है कि मतलब बीज वितरण का जो कार्य हुआ है विकासखंड मेहदवानी में, तो उसमें उनके द्वारा कुछ व्यक्ति जो है जो मृत पाए गए हैं या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको बीज नहीं मिला, इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है। उनकी लिस्ट भी दी हुई है उन्होंने, तो इसके लिए SDO एग्रीकल्चर जो है अनुभागीय कृषि अधिकारी उनके माध्यम से जांच के लिए लिखा गया है। तो 2 दिन में हमारी जांच कंप्लीट हो जाएगी, तो उसमें फिर सब चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं है, और अगर इस तरह का कुछ है तो फिर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।